क्या मौसम है। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ गोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया क्योंकि मुझे मैसेज आया कि मुझे 11 रुपए भेजे हैं किसी ने। ओ माय गॉड दद्दू, थैंक यू। जिंदगी में देखिए, डेबिटेड वाले तो बहुत मैसेज आते हैं दोस्तों, क्रेडिटेड नहीं आते। तो मैंने दद्दू से कहा मेरे को आज पैसा चाहिए, तो दद्दू ने मुझे 11 रुपए भेजे हैं सुबह सुबह। ओ माय गॉड, अब मैं सोच रही हूँ उसको कहाँ खर्च करूँ। पार्टी करते हैं, चलो। वही पैसे अकाउंट में आते हैं तो ऐसे लगता है कहाँ खर्च करूँ, नहीं होते हैं तो सोचते आ नहीं रहे। बड़ी क्या बोले, यानी कि अकाउंट में पैसे आ गए तो जो उसको खर्च दो संभाल के। ये बड़े भाई और पिताजी ऐसे क्यों होते हैं दोस्तों। मौसम आज ऐसा है, बंद, एकदम बंद। शीरो 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 आजा शीरो आजा शीरो। सोचो कहाँ से पागल लोग आके डिस्टर्ब कर जा रहे। शीरो दद्दू, मैं आपको थप्पड़ मारना चाहती हूँ। आज देखी जाएगी, चल हिम्मत है तो कर दे। फिर मेरा क्या होगा, उसके बाद जो जवाब मिलेगा फिर देख। अभी 8 बजे इंटरव्यू लेना है कालिए। क्या होगा कालिए, आज मैं लूँ फिर इंटरव्यू। ले लो ले लो। सो दद्दू और मैं अभी जा रहे हैं घुमा 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 जा रहे हैं हम, देखिए कहाँ जाते हैं। चलिए, इतनी ठंडी में बिना स्वेटर के हैं। अनलॉक करो, दद्दू स्वेटर पहनो यार, बिना गाड़ी में थोड़ी पहनता हूँ स्वेटर। बहुत ठंडी हो रही है, अब हीटर मत चलाना इसमें। झमाझम, बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बल्कि। और हम चल पड़े हैं घर से, पता नहीं है कि जा कहाँ रहे एग्जैक्टली। असल में हमारे घर में ना खीरा ख़त्म हुआ है, तो मम्मी ने कहा है कि खीरा लेने जाओ, तो हम चले गए है ना खीरा लेने। इतनी तेज़ बारिश हो रही, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और टाइम हो रहा है, घड़ी नहीं पहनी तो टाइम मैं नहीं बता सकती, सॉरी। मात्र दो बजे हैं। एक बजा 3 बजा है, तो 5:01 हुआ है। 3 बजा 5:01 हुआ। आगे वेरी नाग, हमने सोचा कि छोटे मोटे कुछ काम निपटाते हैं, बट बहुत तेज़ बारिश हो गई और गाड़ी में छाता भी नहीं है। हम लोग हमेशा बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, कमाल का। अंदर आ रही है बारिश। सो वी लव बेकरी प्रोडक्ट्स, तो हमने बेकरी से कुछ बिस्किट्स लिए और सम स्वीट्स, और हम जा रहे हैं आगे। वो सच बोरिंग डे हो रहा है आज ना दद्दू, है ना। को यहाँ लेके आए यहाँ के बाजार घुमाने, यहाँ ज्यादा बोरिंग हो रही है, यहाँ और ज्यादा बोर हो गए घूमने, और यहाँ ज्यादा बोर हो गए बारिश आने में। हम लोग इतने कमाल है कि घूमने तो आ गए लेकिन छाता नहीं लेके आए, गाड़ी में छाता नहीं थी। अब कुछ भी काम है तो दद्दू उतर रहे हैं, फटाफट भाग के जा रहे हैं और मैं गाड़ी में वेट कर रहे हैं। गाड़ी में बैठना था तो मैं घर पे बैठ सकती थी ना, पार्किंग पे जाके। क्या बोलो, नया फोन दद्दू अपना फोन नया करके आ गए, मुझसे ज्यादा नया दिख रहा है। रहे हो yes. कितना मजा आ रहा है ना घूमने में दद्दू। घूमने में मजा आ रहा है, मजा तेल फूकने में आ रहा है, तेल फूकने में मजा आ रहा है। बीड़ी की बात कर रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा था, बोलते बीड़ी पी रहे। मैंने कहा ओह क्यों पी रहा होगा बीड़ी कोई, तो बोलते हैं वो सिगरेट थी, और सिगरेट का ब्रांड भी बता दिया। आपने ट्राई किया हुआ है क्या कभी? तो सबसे ज्यादा तो वही बिकती है ना, गोल्ड प्ले की। दद्दू हम इतने बोर हो गए कि हम बैकी बातें करने लग गए। अब हम पहुंच गए चौक में, बड़े इतराते हुए आ गए थे, तो अब बिना छाता के भीगते हुए मार्केट में घूम रहे हैं। और स्वेटर पहना है, स्वेटर अगर भीग जाएगा तो कितना अजीब लगेगा मुझे। हेलो चिया, नहीं कचरा ले लिया और क्या चाहिए, कचरा खाने। तो हम जब आ रहे थे तो एक जगह गाना बजा था कि आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। दद्दू कह रहे जरूरी नहीं है मजबूर होना। हम तो नहीं हुए मजबूर, बट कितने मजबूर थे कितनी मेरे को पता है, ठीक है।
अब इनको बहुत साल हो गए ना, तो अब ऐसा बोल रहे हैं। पुरानी हवेली देखो दोस्तों, अपने टाइम पे हवेली हुआ करता होगा, आज खंडर है। तभी कहते हैं घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। घूम के मजा आ गया लेकिन यार आज, है ना, बहुत ही मजा। आगे कुछ पंगा हो गया, गाड़ी वाड़ी कुछ लग गई शायद एक दूसरे से, तो रास्ता जाम हो गया। खुल गया फाइनली ये, शुक्र है। हुआ क्या था वैसे, लग गई थी क्या आपस में गाड़ियाँ? चलिए भाई चलिए। यहाँ पे लोकेशन देखिए, कितनी सुंदर लोकेशन है, वाह। और भैया दद्दू तो चले गए अपने वक्त का, जो हम घर से निकले थे उसका, उसकी वसूली करने। वो गाड़ी जिनकी लगी थी उनके पंगे हो रहे हैं, वहाँ देखने चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए यहाँ। बताओ ये रहे दद्दू, अब हम फटाफट से जाते हैं घर। जोकने का ऑटो था, खून अभी भी आने में ही। पहुंच गए हम हमारे धर्म का शहर। घर आ गए हम, थोड़ी बारिश रुकी है, तो अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल घूमने। लिटरली इतने दिनों से दद्दू और मुझे ना कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, इतनी सारी चीज़ें लेके आए और चट कर गए पूरे। और सामने इतना प्यारा व्यू आ रहा है, देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, दिखाती हूँ। आहा, व्यू तो देखो। कहाँ गई थी, कहाँ गई थी? डोई ने क्या तुम डोई हो? एक छोटा बच्चा है अभी, उसने क्या काम हुआ तेको? दादी मत्ते मत्ते कैसा है बाबू, ठीक हूँ, चल क्यों नहीं रहा, मेरे को ना थकान हो जाती है। दादी मत्ते, दादी तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। हाँ दादी मत्ते मत्ते। बरसात के मौसम में बारिश लगाना, बरसात हो रहा। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, मम्मी को भी ले आया, हम जाएंगे थोड़ा घूमने, घूम लेने दो, बस घर जाएंगे अभी, घूम लेने दो। छुट्टी आया हूँ तो घूम लेने दो, सुन लो भाभी, चार दिन अपने मन की कर लेने दो, फिर वापस चला जाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। आहा हा हा, क्या सुरीला गाए हैं। क्या क्या बोट छू, सौड़ा बोट, सौड़ा बोट जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, इसको पॉइंट की तरह लग रहा होगा तेरे को देख। हाँ लेकिन ये सौड़ है, सौड़ है, इसकी लकड़ी अच्छी होती ना, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती, बस शर्त की पुरानी हो जाए तब। अच्छा ये सौड़ छू, सब सौड़ छू, अच्छा दीजिए अच्छा। और यह मेढक छू, टर वाला। और हम पहुंच गए टी गार्डन में दोस्तों। दादी नमस्ते वाला घर से बोले आ रहे हो, आड़ू दादी नमस्ते, चलो धोखे खाते हैं, आड़ू मिल गई हमको। ये धो रहे हैं पाठक जी हमारे आड़ू, ये अरे बैठो तुम यार, क्यों नहीं ये हाल है बच्चों के, शर्म आनी चाहिए, दद्दा से बड़ी लग रही तू। उतार नीचे, उतार 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 उतार, बस हो गया, चढ़ाई चढ़ रहे गदा गदा में, शेर को बिठा के रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, एक इधर साइड से एक इधर साइड से अबे पोज दे रहे हैं। मैं राजा की रानी, कभी धर्मघर तो कभी हल्द्वानी। और देख क्यों खून जलाता है, अपुन तो बिंदास चलाता है। लव यू फंचू, आई डोंट नो व्हाट्स फंचू, शीरो
शीरो शीरो शीरो शीरो शीरो शीरो शीरो। ओके बाय, गुड नाइट बाबा। अरे अरे अरे, अभी रात हो गई, अपने घर जाओ ना, अपने घर पे रहो ना। हाँ बाय बाय। तो मौसम खराब है तो लाइट भी नहीं आ। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि मुस्कुराती रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। दिस इज आवर सिग्नेचर मुस्कुराहट।